अरे तुम्हारी बहुत याद आती है, सुबह दोपहर शाम मम्मी। ये मम्मी की स्पेलिंग क्या है मुझे नहीं मालूम। क्यों? मुझे माँ को लेटर लिखना है, कल पोस्टमैन आ रहा है ना, माँ को लेटर। तुम्हें मस्त वाला आइडिया आया है। मौसम इस बैग में छुप जाना, फिर कल पोस्टमैन हमें यहाँ से दूर लेकर जाएगा। प्लान समझ में नहीं आया, फिर से समझाओगे? ज्यादा सोचो मत, अंदर छुप जाओ वरना गलत स्टैंप लगा दूंगा। लगता है किसी ने इनको किडनैप कर लिया है, मुझे कुछ करना चाहिए इनके लिए। हाँ, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा भाइयों, फिर तुम्हारे साथ है। बहुत जल्द मिलेगी आजादी। डाकी टिकी, उस गाड़ी में कुछ जरूर मिलेगा। आक्रमण। मैं हूँ डाकू ढकीला, चोर लुटेरा गुंडा, सब कुछ मेरे हवाले कर दो। मुनी लेकिन क्या हवाले कर दूँ, गाड़ी में तो बस लेटर्स ही लेटर्स हैं। चंगू मंगू बम से उड़ा दो। तेरे पास बम है क्या चंगू? नहीं मैं मंगू, बॉम्ब तो तुम्हारा डिपार्टमेंट है ना, तुम ही देखो। ढक्की चिक्की, कहाँ जाके फंस गया हूँ मैं? हथियार नहीं है तो ये गाड़ी हम कैसे लूटेंगे बताओ। ये लो चाबी। चाबी से? चाबी से? मैं डाकू ढकीला हूँ, डाकू ढकीला, मेरी भी कोई इज्जत है। ढक्की चिक्की, इस गाड़ी को अपने अड्डे पर ले चलते है चंगू। ये तो लुटेरा कोई लूट रहा है। ये हट्टा कट्टा जोकर हम सबको कहाँ ले जा रहा है, कहीं ये किताबें तो नहीं है? मणि मैंने कहा था ना सिर्फ लेटर्स होंगे। की तेरे लेटर्स आउच बोलते हैं क्या? मणि मुझे नहीं पता था पार्सल भी है इसमें। डक्की चिक्की तू कौन है? हम लोग भी चोरी है, अभी अभी जेल से भाग गए। तुम सब मेरे कब्जे में हो, तुम अपने भाई के साथ ऐसा करोगे क्या? करूंगा, तुम्हें वापस ले जाऊंगा, मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। वापस जेल? आसमान से गिरे खजूर पे अटके। कहाँ चले गए? उन पिगिस से पूछता हूँ, उन्होंने कहीं देखा है क्या? हेलो मिस्टर पिगी, क्या आपने आजू बाजू में कहीं चार पांच जोकरों को देखा है क्या, बताइए। कहाँ फंस गए? अरे जो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मेरा हाथ खोल दो फिर बताता हूँ। कुछ ज्यादा ही बोल दिया तुमने। मणि कितनी अच्छी बंदूक है, पता है मैंने कभी लाइफ में बंदूक देखी ही नहीं थी। तू अभी देख ले। खोल दो प्लीज। मणि ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं, लेटर्स के लिए कर रहा हूँ, समझे क्या? मैंने सच में पहली बार आज बंदूक देखी है। लाइफ में बहुत कुछ पहली बार ही होता है। वो रहे, मिल गए, थैंक यू। लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया, चलो भाइयों जाते हैं।
वापस आ जाओ, तुम मेरे पार्सल हो, मुझे तुम्हें पोस्ट ऑफिस में डिलीवर करना है। पोस्ट ऑफिस? रास्ते में खाना मिलेगा क्या? जानते नहीं हो कि हम कौन है कोई। पहली बार बंदूक देखी है लेकिन चलाने तो आती है, शायद मुझे करियर चेंज करना है। ये सब मेरे कैदी हैं। नहीं नहीं, ये मेरे पार्सल है। अरे तुम सब समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे कैदी हैं। मेरे पार्सल है। मेरे दोस्त हैं। मेरे कैदी। लगता है हमारी डिमांड काफी बढ़ गई है। बॉस, आपकी वाइफ ने आपको जल्दी घर बुलाया है, जल्दी चलिए ना। मैडम बहुत ही गुस्से में थी बॉस। डक्की चिक्की, लूटपाट बाद में, पहले जान बचाते हैं। मैं चलता हूँ दोस्तों। सुनो, ये चोरी चकारे का डिप्लोमा कहाँ होता है बताओ? तुम तो रहना ही तो बुरी तरह से फेल हो जाओगे। एक इज्जतदार जेलर होने के नाते मैं तुम्हें इन पार्सल से मुक्ति देता हूँ, अब तुम चुपचाप इन्हें मेरे हवाले कर दो। मणि ठीक है, ले जाओ। टक्की चिक्की, टक्की चिक्की, टक्की चिक्की। ये बहुत जल्द अपनी जेल में आएगा। तुम लोग के लिए चिट्ठी आया है। पोस्टमैन ने लिखा है, लिखता है कि उसने ट्रेन लूटना चालू कर दिया है, कहता है कि करियर गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा डाकू फटीला। क्या मजा था? डाकू फटीला। आज के संस्कार क्लास में जादूगर जोजो एक जादुई लड़की की मदद से हमें पानी ढूंढकर बताएंगे। इस जादुई लकड़ी से आप रेगिस्तान में भी पानी ढूंढ सकते हो। ये पानी मुझे अपनी तरफ खींच खींच खींच। वेरी इंटरेस्टिंग जादूगर जोजो, लेकिन इससे पहले कि बाढ़ आ जाए गड्ढा बंद कर देते हैं। अरे एक मस्त वाला आइडिया आया है। जब चाहो तब पानी मिलेगा, इसका मतलब अब इस जेल में कभी पानी की शॉर्टेज नहीं होगी। कभी नहीं होगी, ये जादुई लकड़ी है ना। जादुई लकड़ी गुम हो गई। ये देखो मैं क्या लाया। कौन से झाड़ की है ये लकड़ी? नहीं, जादुई लकड़ी है। इसकी मदद से हम पूरे जेल को पानी पानी कर देंगे, और जब बहुत पानी होगा तो जेल में बाढ़ आ जाएगी। और फिर? और फिर उसमें मजे करेंगे और क्या। अरे नहीं धंचक करो, बाढ़ आएगी तो जेल खाली करनी पड़ेगी, और फिर हम आसानी से भाग जाएंगे, समझे? यार पाने मुझे तो अपनी तरफ खींच। मालूम क्या, ये किस्सा मैं अपनी किताब में छापूंगा। अब चला। ये थोड़ा खेल के जाते हैं ना। मैं यहाँ कैसे? किसी ने फिर से बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया होगा। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है जेल खाली करना चाहिए। इससे तो अच्छा पानी खाली कर दे हम। दरवाजा पानी के अंदर है और मैं तैर भी नहीं सकता। हमको भी नहीं आती, अब क्या करेंगे सर? पता नहीं, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। अरे जेल खाली करो, और कोई तरीका नहीं है? एक मिनट रुको, जरा मुझे सोचने दो। मौके का फायदा उठाकर स्विमिंग करते हैं। वैसे भी मैं छुट्टी लेकर बीच पे ही जाने वाला था, मजा आ गया। जेलर साहब, पानी का टेम्परेचर तो ठीक है ना? विश्वास नहीं हो रहा कि वो जेल ही नहीं खाली कर रहा है। तुम्हारा प्लान डूब गया। किसी को नीचे जाकर दरवाजा खोलना पड़ेगा। मैं नहीं तैर सकता भाई। जब तक हम तैरना सीख लेंगे तब तक तो पानी उबल जाएगा मेरे ख्याल से।
अपने पैरों को एक संस्कारी मेंढक की तरह चलाओ। लेकिन वो पानी के इतने अंदर कैसे गया? खाना खा खा के वजन तो बढ़ाया है ना उसने। क्या बात है, पानी में वजन। एक मस्त वाला आइडिया आया है। इसको अपने पैरों से बांधेंगे, फिर पानी के अंदर जाएंगे और फिर दरवाजा खोल देंगे। लेकिन सांस कैसे लेंगे? तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने पानी में सांस लेने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल है। सिंपल है, हम एक बैरल में अंदर जाएंगे और अंदर सांस लेंगे। जानते हो, ये मैंने एक किताब में पढ़ा था। क्या? सच में मैंने पढ़ा था। यार चलो। इस सबमरीन से अपने प्लैनेट पे वापस जाऊंगा। रुको, मैं भी आता हूँ। बाहर कौन जाएगा? मालूम था मुझे जाना होगा। पानी बैरल के अंदर कैसे नहीं आ रहा ये? पेशे की वजह से भाई, मैं भी किताबें पढ़ता हूँ, समझे ना। अरे भाई मेंढक, मेंढक की तरफ पैर चलाओ। बच्चे, एक तो मैं सांस नहीं ले पा रहा, ऊपर से तो खींच रहा। सबमरीन में ड्राइवर नहीं होगा तो मैं जाऊंगा कैसे? हो ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ। देखो, जार्जन्स ने अपने अच्छे संस्कार दिखाकर हम सबकी मदद की है। बहुत अच्छे, ये टीम वर्क का अच्छा एग्जाम्पल है। हम सब जेलवासियों की तरफ से शुक्रिया। क्या शुक्रिया? और काय का शुक्रिया? और बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी सबमरीन कहाँ खो गई? क्या मेरे प्लेनेट में पहुँच गया या मैं किसी और के प्लेनेट पर पहुँच गया हूँ? बचाओ! क्या आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? मैं इसी प्लेनेट का रहने वाला हूँ। बस थोड़े दिनों के लिए बाहर घूमने गया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा है ना, चलो खाना खाते हैं। पीटर पहाड़ी, इसे अपना ही घर समझो। लेकिन ज्यादा दिनों के लिए बिल्कुल नहीं। वैसे मैंने आपको पहाड़ चढ़ते हुए देखा है, तो ऑटोग्राफ। ये चप्पलगंज कौन है? पीटर पहाड़ी, ऊंचे पर्वत चढ़ने वाला। पर्वत चढ़ने वाला? ये तो काम का बंदा लगता है। ये कैसे हो पीटर? मुझे आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन दिख नहीं रहा। कोई है क्या यहाँ नीचे? यो लला ही हू, हू ही। इतने ऊपर से तुम दिखाई ही नहीं दे रहे। बस यही बाकी रह गया था। खबर आई है कि तुम बैंक की सबसे बड़ी दीवार पर ऐसे ही चढ़ गए थे। बस बाएं हाथ से दाएं हाथ की जरूरत भी नहीं पड़ी। देखो, हम सब यहाँ बहुत बोर हो रहे हैं और मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है। क्लाइंबिंग लेसंस, वो भी इतनी गर्मी में। कितना बुरा होगा अगर हमने पीटर पहाड़ी कहीं होने का लाभ नहीं उठाया सर। कॉन्सेंट्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और टीम स्पोर्ट, यही तो हमारे संस्कार और संस्कृति है।
यहाँ इससे मेरे जेल की तारीफ पूरी दुनिया में होगी, मैगजीन में मेरा फोटो छपेगा और लोग मेरा इंटरव्यू देखकर पॉपकॉर्न खा रहे होंगे, मेरा प्रमोशन होगा। मेरे प्लेनेट पर वापस जाने के लिए एक नया स्पेसक्राफ्ट। ये कुतुब मीनार जैसा आखिर है क्या? हम इस दीवार पर चढ़कर हमारी ट्रेनिंग शुरू करेंगे, वो भी इस रस्सी की मदद से। आप शुरू करना चाहेंगे? मुझे कुछ काम है। मैं तैयार हूँ। यारले। क्या हुआ, पहले कभी मुझे देखा नहीं? चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले पकड़ो, आगे बढ़ो, पकड़ो, आगे बढ़ो, पकड़ो और दोनों को जोड़ दो, कूदो, कूदो। भाई हाथ का खेल है, अब तुम्हारी बारी। मेरा नाक छोड़ो। नहीं, वो मेरी नाक है। ये हमारी मदद करो प्लीज। तुम्हारा तो पाँव ऊपर ही नहीं पहुँच रहा, कितना छोटा है। मुझे चिढ़ाना बंद करोगे? कुछ मदद चाहिए क्या? मैं नीचे नहीं देख पा रहा हूँ। ये बहुत ऊपर है, मुझसे नहीं होगा। बस नीचे मत देखो, किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो। अरे कोई एक जगह, अरे ढूंढ ली मैंने खुद के लिए एक अच्छी सी जगह। पहाड़ चढ़ना जितना आसान है उतना ही आसान उतरना है। ऐसे 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 ऐसे। कॉन्सेंट्रेशन, मेरी उंगली ये कैसी रहेगी? ये मत चला, अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। कुदाली मेरा सबसे अच्छा दोस्त। ऐसे 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 ऐसे। वैसे पहाड़ तो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं। मेरा एक मस्त वाला आइडिया। तुम्हारे आइडिया की वजह से मुझे हमेशा चोट लगती है। चुप हो जा, आज रात होगी आजादी। कॉन्सेंट्रेशन, मुझे कॉन्सेंट्रेशन करना होगा, कोई अच्छी जगह बताओ। मेरे पर कॉन्सेंट्रेट कर लंबू चंद। अरे हाँ, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। मैं भी ऐसे ही एक दिन अपने प्लेनेट पर वापस जाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रहा? तुम्हारी तरह भाग रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, भागने का कॉपीराइट सिर्फ हमारा है, हम और किसी को भागना नहीं देते। जाओ यहाँ से। मैं भी क्यों ना आज ही वापस चला जाऊं, सबको सरप्राइज दे देता हूं मैं। हाँ ये क्या कर रहा तुम? माफ करना लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरा उसूल है, मैं पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। मदद करने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हें ढेर सारी मिठाइयां भेजूंगा। ऐसे 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 भाई हाथ का खेल है। धोखेबाज का इनका, चोरों में आजकल भाईचारा ही नहीं रहा। ए, उसने नीचे के सारे किले निकाल दिए, हम यहीं पर अटक गए हैं। सबसे छोटा पहले गिरेगा लगी दस दस के। वैसे जो पीटर पहाड़ी गांव के दरिया किनारे पकड़ा गया उसे तैरना नहीं आता। बाएं हाथ का खेल। ये बहुत मुश्किल है। बहुत खूब जार्जन, योगा ही हमारे संस्कार।
चिड़ियासन, बढ़िया। खुजाओ बंदरासन, ओ गिरगिटासन, वाह क्या अच्छे संस्कार हैं। संस्कार, 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 वाह वाह एवरल, तुम तो बहुत ही संस्कारी हो। बस एवरल की तरह तुम भी अपने अंदर के जानवर को उड़ने दो। एक मस्त वाला आइडिया है, चल चल। तेरा संस्कार किया सिंह की तैसी, चल मेरे साथ। ठेंगू चंद बहुत ताकतवर है, उसे शुतुरमुर्ग आसन भी आता है। यहाँ से निकलना होगा, निकलना होगा, निकलना होगा, निकलना होगा। इस बग्गाओ मैं तुम्हारी आवाज सुन के। इस तुम कान खोल के सुन लो। इसकी आत्मा तो बाहर आ गई। मुझे नहीं पता था इस छिलके में केला भी है। क्या बात है, ये तो दीवार के आर पार भी जा सकता है। क्या कहा, दीवारों के आर पार? ये कैसे कर रहा है, मुझे भी ये करना है। अगर करना है पार दीवार तो नहीं मानो हार। चलो गर्मा गर्म नाश्ता तैयार हो गया, आ ठूसो। अरे अजीब बात है, देखो मेरा पेट खाली है लेकिन भूख नहीं है। कोई साथ? चुप चाप चाप या दादा। यस या हो, हम आजाद हो गए, आजाद। हम लोग जा रहे हैं अलविदा शेरू। मेरे एलियन आका आ गए मुझे लेने, मैं आ रहा हूँ, रुको। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ए रुको, ए आत्मा के बच्चे, जाओ अपने शरीर में वापस जाओ। नहीं तो क्या, ये बॉडी बहुत भारी है। अरे पर मेरी आत्मा और हल्की हुई जा रही है। सीधे सीधे अंदर जा वरना घुसेड़ दूंगा। कैसे आ गया बड़े भैया? गुड, अब चलो भागो। अरे भैया मैं भी आया। ये क्या केला आ गए और छिलका पीछे रह गया? अब ये भूतिया तरबूज कौन है? ठीक है, चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं भाई लोग। ओए ना समझो ये सब क्या हो रहा है। ये भूतिया नहीं असली दादाजी है, डरो मत। हमारे पर दादाजी सच बोल रहे हैं, तुम्हारी जो समस्या है उसका हल शायद उनके पास है। वो जो भी हो, पहले तुम मेरे भाई को उसके शरीर में ठूसो। अच्छा कर लेते हैं। एक महीने का राशन मिला तो हम तुम्हारी ये तकलीफ आसानी से दूर कर सकते हैं। डर कोई शक। फनेल को घुसा के कार्य शुरू किया जाए। दादाजी को मत ले जाओ। ला ला ला,
ये ठीक हो गया। वाह केला छिलके में आ गया। दादाजी बाहर निकलो। बात हो गया डाल्टन, चलो जेल में चलते हैं। मेरे योगा की वजह से सब कुछ ठीक हो गया, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। ज्यादा ही फेंक रही है। क्या तुम मुझे कमर मरोड़ासन सिखा सकती हो? मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे काश मैं 200 साल छोटा होता। अरे जो मेरे भाई, तुम्हारी जगह कितनी छोटी है। चिंता मत करो, एक बार मारना शुरू करूंगा बहुत जगह बन जाएगी। कुछ तक मिस बेटी ने अपने घर के लिए फिर से पर्दे मंगवाए हैं। अलग अलग 40 कलर है, पता नहीं मेरे सोफे से कौन सा मैच होगा। मैं यहाँ का जेलर हूँ, तुम्हारा कूली नहीं। अरे मुझे लगता है पिंक कुशन ग्रीन सोफा पे अच्छा लगेगा। संस्कारी रंग है। पिंक कुशन्स, हम चोर है चोर, गद्दा बनाने वाले नहीं। मिस्टर पीबॉडी, क्या एवरल मेरे पर्दे चुनने में मेरी मदद कर सकते हैं? मिस बेटी के पास जेल की चाबियां, आज शाम तुम वो चाबियां लेके आओगे और हम लोग छुआ हो जाएंगे। इस बुद्धू को चाबी मिलेगी कैसे? मैं उससे मांग लूंगा सिंपल। अरे जो तुम मेरी नकल ठीक से नहीं कर रहे हो, तुरंत पकड़े जाओगे। वो तो जब चाबी ले आऊंगा तब पता चलेगा। आजकल बहुत खाने लगे हो तुम। उसमें मेरी गलती नहीं, मुझे दाल मखनी बहुत पसंद है। अब चलो। अरे बॉय नहीं डॉग, क्या कर रहे हो? ये मैं क्या देख रहा हूँ? शायद सपना होगा। एवरल तुम्हें कलर्स की समझ है? ग्रीन के साथ क्या पहनूं? चिकन येलो। वेलकम एवरल। बिल्कुल ठीक हो। आ जाओ यहाँ पर बैठ जाओ। मैं चाय लेकर आती हूँ। मिशन चाबे। ठीक है, चाय तैयार है। ये क्या? वो फोटो फ्रेम बहुत अच्छी है ना? खैर, मुझे एक बहुत ही सॉफ्ट लुक चाहिए, लेकिन दिखने में मॉडर्न लगे, जिसके कलर्स और टेक्सचर्स दोनों ही लाजवाब हो, और उसके फैब्रिक में वेलवेट से लेके लिनन तक के सारे संस्कार होने चाहिए। ओवरऑल ये एक संस्कारी घर लगना चाहिए। इन दोनों से कौन सा अच्छा है? बात यह है कि मैं अपना चश्मा कमरे में भूल आया। ओए तुम्हें ये पसंद आया ये? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? डेकोरेटर बनके तो तुम वहाँ गए थे ना? मैंने जो पूछा वो सीधे से ना बता। मैं मर जाऊंगा। तुम दोनों साथ क्यों नहीं चले जाते? एवरल, प्लेन टाई ज्यादा अच्छी है या स्ट्राइप्स वाले? स्ट्राइप्स।
ये बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। मुझे सब दो दो दिख रहे हैं। ये सपना बड़ा ही लंबा चल रहा है। आ जाओ। सपना समझकर कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब चीनी का एक दाना भी नहीं जाएगा। समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा कलर ज्यादा संस्कारी है। सब अपने अपने संस्कारों में बहुत ही माहिर है, लेकिन मेरे घर को कौन सा संस्कार ज्यादा सूट करेगा वो मुझे पता ही नहीं चल रहा। काश मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड होती, मेरे लिए तो सब कुछ रेनबो जैसा है। ग्रीन कैसा रहेगा? इससे थोड़े शांति वाले संस्कार आएंगे। येलो से इंस्पायरिंग संस्कार आएंगे, शायद ठीक रहेगा। ब्लू से क्रिएटिव संस्कार आएंगे, पर ब्लू की ज्यादा जरूरत है। नहीं 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 नहीं, क्या तुम मेरे साथ लुका छुपी खेलोगे? लाइफ में संस्कार बहुत जरूरी है, और कलर्स भी संस्कार की तरह ही होते हैं। इससे बाहर ले जाओ। तुमने कुछ कहा क्या? क्या तुमने कुछ कहा? ओहो शेरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम चीनी खाना चाहोगे? चाबी मिल गई। अच्छा तो मेरे पीठ पीछे ये चल रहा था। मुझे चाबी दो और मैं तुम्हें बिना सजा के छोड़ दूंगी। शायद मैंने ज्यादा ही चीनी खा ली। नहीं जाक, चाबी मुझे दो और भागो। रास्ते में कुछ खाने को मिले तो देखना। अब हम क्या करेंगे? मेरा पेट सच में खाली है। कोई नहीं हिलेगा हाथ ऊपर। अरे मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, तुम सब ये नए कलर में बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरे भाई लोग भी बहुत खुश हैं। तुम डाल्टन्स के नाम पर दब्बा हो। माँ ये सुनेगी तो क्या कहेगी? पिंक कलर बिल्कुल नहीं पसंद। अरे पिंक नहीं, मजेंटा पिंक।